हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और मैं सचिन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि अपने बिजी का पासवर्ड कैसे रिकवर करें। बिजी में अगर कोई कंपनी आपने क्रिएट कर रखी है और अगर उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उस पासवर्ड को कैसे रीसेट किया जाता है, कैसे फॉरगेट किया जाता है, तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए, मेरी यहाँ पे कंपनी है सलोनी एंटरप्राइज, जिसका यूजर नेम और पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ मैं। तो देखो, ये मुझे याद नहीं क्या था इसका, तो वो मैं भूल गया पासवर्ड इसका। तो अब इसका मुझे पासवर्ड जो है फॉरगेट करना है। तो सबसे पहले हम यह देख लेंगे हमारा डेटा कहाँ पे रखा हुआ है। सी बिजी विन डेटा, माय कंप्यूटर में जाएंगे और उसके बाद सी ड्राइव और बिजी विन डाटा, ये हमारा डेटा है। सबसे पहले तो हम इसका बैकअप कर लेंगे, यहीं पे कॉपी करके यहीं पे आप पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने करना क्या है, अभी देखिए फाइलें जो आ रही हैं ये वाइट कलर में आ रही है, अगर हम इनको ओपन करना चाहें तो ये ओपन नहीं होंगी फाइलें। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, बिजी अपना लाना है यहाँ पे और इसमें हमें करना है कन्वर्ट डाटा टू ओल्ड स्ट्रक्चर। यस, अब इसके बाद आप जरा एक बार फाइल देख लेते हैं। ये देखिए कुछ रेड कलर में हो गई। अब ये जो फाइलें हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कन्वर्ट हो गई हैं, जिनको हम ओपन कर सकते हैं फाइलों को। ओपन हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आपको क्या डालना है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। आई एल तो बड़े में डालना है और उसके बाद ओ वी ई छोटे में, एम बड़े में, वाई छोटे में और इंडिया। इंडिया पूरे बड़े में डालना है, तो आई लव माई इंडिया डालना है आपको। डोंट सेव कर देते हैं इसको। ये देखिए मेरी फाइलें जो है ओपन हो चुकी हैं। अब उसके बाद सबसे लास्ट मुझे आना है ये रहा यूजर प्रेफरेंसेस में। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर, देखिए यूजर नेम तो मेरा ये आ गया बिजी। तो अगर मुझे यूजर नेम भी चेंज करना है तो यहां मैं चेंज कर सकता हूं, ऐसे डाल देता हूँ यूजर नेम। अब उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड में इसी लाइन में आप आगे बढ़ोगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, लेकिन पासवर्ड देखिए कुछ अलग लैंग्वेज में डाला हुआ पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, ये इनक्रिप्ट कर देता है पासवर्ड को। जैसे हम ए लिखेंगे तो ए को कुछ और कर देगा, ए ओ कर देगा या कुछ और कर देगा। तो इसको अगर हम ए डाल दें, बी डाल दें तो वहां पे ओपन नहीं करेगा। तो इसके लिए मेरे पास एक फाइल है, मैं दिखा देता हूं आपको। पासवर्ड देखिए, जैसे हम ए डालेंगे तो बिजी के अंदर वो क्या है, इस तरह इसको कोडिंग में इस तरह चेंज कर देगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको जो है डिलीट करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो पासवर्ड भी हमारा चेंज हो गया और यूजर नेम ने ऐसे पासवर्ड में ए डाल दिया सिर्फ हमने। उसका करना क्या है, कंट्रोल एस करना है इसको सेव करने के लिए और इस फाइल को हम बंद कर देंगे सिंपली। बंद करने की वजह से कंपनी ओपन करेंगे, तुमसे पूछ रहा है डाटा जो आपने कन्वर्ट किया तो उसको दोबारा कन्वर्ट करना है, तो यस करना है आपने। देखिए मैंने बैकअप वो कंपनी जो थी कॉपी करके वहीं मैंने पेस्ट कर दी थी, तो इसलिए यहां पे दो कंपनियां आ गई मेरे पास। मैंने चेंज किसका किया था, इसका किया था एक नंबर का। तो अब डालते हैं इसके अंदर ऐसे, देखिए ये ले लिया और पासवर्ड मैंने ए डाला है, इसने ले लिया पासवर्ड भी। तो मेरा यूजर नेम भी चेंज हो गया और पासवर्ड भी चेंज हो गया। इस तरह से आप दोनों चीज चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वारी हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।